आर्य देवों के चरणों में कोटिशः वंदन, परम पूज्य आचार्य प्रवर सहित पंच परमेश्वरों को वंदन। वीरगंज ज्ञानशाला परिवार की ओर से तारा राखेचा का सादर जय जिनेन्द्र। असंयम, असहिष्णुता और भोगवाद के इस युग में भगवान महावीर के द्वारा निरूपित श्रमणोपासक श्रेणी का आधुनिक संस्करण है जैन जीवन शैली। वास्तव में इस शैली के टिप्स लाइफस्टाइल बदलने में संजीवनी बूटी की तरह साबित हो सकते हैं। आचार्य श्री तुलसी के द्वारा प्रणित जैन जीवन शैली का व्यापक प्रसार किया जाए तो यह जन जन की जीवन शैली बन सकती है। जैन जीवन शैली के 9 सूत्रों का विवेचन ज्ञानशाला परिवार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जैनी जीवन शैली जो भी अपनाए सुख पाए, शैली नई नवेली। जैनी जीवन शैली बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली। जैनी जीवन शैली। जैन जीवन शैली का पहला आयाम है सम्यक दर्शन। अरहत देव अकिंचन गुरुवर धार्मिक त्रिपदी ध्याए, समय प्रबंधन स्वास्थ्य निबंधन समुचित लाभ उठाए। प्रतिदिन अपना आपा परखे धर कर विधेय हथेली। जैनी जीवन शैली। जैन जीवन शैली का पहला आयाम है सम्यक दर्शन। श्रावक की जीवन यात्रा का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। उसकी उपासना के प्रमुख 3 केंद्र होते हैं, देव, गुरु और धर्म। हमारी जीवन शैली को व्यवस्थित करने के लिए समय का सही नियोजन आवश्यक है। हमें प्रतिदिन स्वयं को आत्म साक्षी से परखते रहना चाहिए कि हमने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, क्या करना अवशेष है। ओम परम। अनेकांत, अनेकांत सीतांत सामने टिके न कोई विग्रह। प्रेक्षा ध्यान प्रयोगों से आवेश वेदिका निग्रह। सोच बने सापेक्ष लचीली क्यों अनमनी अकेली। जैनी जीवन शैली। अनेकांत, जैन जीवन शैली का दूसरा आयाम है अनेकांत। एक ही वस्तु में अनेक विरोधी धर्म को स्वीकारना ही अनेकांत है। इसके सामने किसी प्रकार का विग्रह नहीं टिक सकता। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर हम विग्रह के मुख्य कारण आवेश से बच सकते हैं। सापेक्ष चिंतन हमारे भीतर सरलता को विकसित करेगा। उमर। अहिंसा, बचे अनावश्यक हिंसा से अनाक्रमण की वृत्ति। आत्महनन या भ्रूण हनन से क्यों हो क्रूर प्रवृत्ति। विकसित हो कारुण्य चेतना अपनी सजग सहेली। जैनी जीवन शैली। अहिंसा, जैन जीवन शैली का तीसरा आयाम है अहिंसा। पहले अनुव्रत अहिंसा को विकसित करने के लिए श्रावक को अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए। अपनी ओर से न किसी पर आक्रमण करे और न ही आत्महत्या और भ्रूण हत्या जैसी क्रूर कार्यों की सोचे। अपने हृदय में करुणा का विकास कर उसे सजग शैली बना सकते हैं। ओम अरहम। समान संस्कृति। समय समय श्रम का संगम सदा श्रवण संस्कृति का रास्ता। प्रवंचना का क्यों
कड़वाहट की बात न सबको मीठे गुड़ की बेली जयनी जीवन शैली। श्रमण संस्कृति। जैन जीवन शैली का चौथा आयाम है श्रमण संस्कृति। समानता, शांति और श्रमशीलता श्रमण संस्कृति के मार्ग है। जिस व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ में विश्वास होता है वह कभी भी धोखाधड़ी के प्रपंच में फंस नहीं सकता। इसमें किसी भी प्रकार की कटुता को अवकाश नहीं है। गुड़ की भेली सबको मीठी लगती है। इसी प्रकार श्रमण संस्कृति का मार्ग सबके लिए श्रेयस्कर है। उनका पूरा जीवन हमारे समाज के लिए पथ दर्शक है। इच्छा परिमाण। इच्छा का परिमाण भोग संग्रह का सीमा करणम्। हिंसा जन्य प्रसादन सामग्री का अस्वीकरणम्। अर्जन साथ विसर्जन होय अनासक्ति अलबेली जैनी जीवन शैली। जैन जीवन शैली का पांचवा आयाम है इच्छा का परिमाण। इच्छा का परिमाण अनासक्ति का अनूठा उदाहरण है। आवश्यकता और आकांक्षा एक नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है किंतु आकांक्षा की पूर्ति असंभव है। इसलिए आकांक्षाओं पर अंकुश लगाना जरूरी है। इच्छा परिमाण से अर्जन के साथ विसर्जन की मनोवृत्ति का विकास होता है। ओमरम। सम्यक आजीविका। आयनियामक दुविधा शामक सूत्र जैन जीवनिका। लोक घृणित व्यवसाय विवर्जन लक्ष्य शुद्ध साधनिका। प्रवाह पाती प्रदूषणों से क्यों हो गंगा मैली जैनी जीवन शैली। सम्यक आजीविका। जैन जीवन शैली का छठा आयाम है सम्यक आजीविका। ये आय के स्रोतों को नियमित करता है और नियमित साधनों से पैदा होने वाली दुविधा से बचाता है। लोक में घृणित माने जाने वाले व्यापारों से दूर रखता है और व्यापार में नैतिकता को प्रमुखता देता है। ओमरम। सम्यक संस्कार। सम्यक संस्कारों के संरक्षण का कार्य सुकर हो। पर्व उत्सवों में व्यवहारों में जैनत्व मुखर हो। संस्कारी आलेख चित सज्जा घर घर रस रैली जैनी जीवन शैली। जैन जीवन शैली का सातवां आयाम है सम्यक संस्कार। संस्कारों की सुरक्षा हेतु हमें अपने जीवन में इन नियमों का पालन करना चाहिए। पर्वों और उत्सवों के अवसर पर ऐसे शैली का अनुसरण करें जिसमें जैनत्व को उभरने का मौका मिले। व्यवहार में ऐसे प्रयोग किए जाएं जिसमें जैनत्व बोले। वाक्य लेखन, गृह सज्जा, चित्र निर्माण आदि में जैनत्व को प्रधानता दी जाए। इन उपायों को घर घर में काम लेने से सम्यक संस्कार का प्रभाव बह सकता है। ओम अहम। आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति। आमिष मध्य नशीले द्रव्यों का संपर्क कभी क्यों। व्यसन मुक्त चर्या श्रावक की इसमें तर्क कभी क्यों। खाने पीने का संयम क्यों लिझे स्वास्थ्य पहेली जैनी जीवन शैली। जैन जीवन शैली का आठवां आयाम है आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति।
जीवन में विशेष जागृति लाने के लिए महाश्रवक की दिनचर्या को महत्वपूर्ण बनाना आवश्यक है। श्रावक का खान पान, शयन जागरण संयत है। उसके लिए मांस, शराब आदि नशीली पदार्थों का सेवन अपनी जीवन शैली से वर्जित रखें। हमेशा प्रेक्षा ध्यान के झूले में झूलते रहें। साधार्मिक वात्सल्य। शैली का आयाम आखिरी साधर्मिक वत्सलता, भ्रातृभाव के अभिसिंचन से संघ कल्प तरु फलता। दक्षिण का इति वृत्त श्रुति श्रुति दिल को छूता डेली, जैनी जीवन शैली। साधर्मिक वात्सल्य। जैन जीवन शैली का नौवा आयाम है साधर्मिक वात्सल्य। जिस कार्य में जिन भगवान की आज्ञा है वह धर्म है। यह जैन दर्शन का रहस्य है। एक धर्म में श्रद्धा रखने वाले लोगों के प्रति भाईचारे की भावना को सिंचन देने से संघ रूप कल्प वृक्ष फलता फूलता है। इस विषय में दक्षिण भारत के जैनों का इतिहास हमेशा दिल को छूता रहता है। ओम अरहम। गुरुदेव श्री तुलसी का सपना हो साकार, घर घर जागे सद संस्कार। यदि जैन जीवन शैली का हो नियमित व्यवहार। ओम अरहम।